यू आर वॉचिंग विशु किड्स टीवी। कैसे कौए हुए काले। एक बार की बात है, एक ऋषि ने एक कौए को अमृत की तलाश में भेजा, लेकिन कौए को ये चेतावनी भी दी कि केवल अमृत के बारे में पता करना है, उसे पीना नहीं है, अन्यथा तुम इसका कुफल भोगोगे। कौए ने हामी भर दी और उसके बाद सफेद कौए ने ऋषि से विदा ली। एक साल के कठोर परिश्रम के बाद कौए को आखिर अमृत के बारे में पता चल गया। वह इसे पीने की लालसा रोक नहीं पाया और इसे पी लिया, जबकि ऋषि ने उसे कठोरता से उसे नहीं पीने के लिए पाबंद किया था। सो उसने ऐसा कर ऋषि को दिया अपना वचन तोड़ दिया। पीने के बाद उसे पछतावा हुआ और उसने वापस आकर ऋषि को पूरी बात बताई, तो ऋषि ये सुनते ही आवेश में आ गए और कौए को शाप दे दिया और कहा, क्योंकि तुमने अपनी अपवित्र चोंच से अमृत की अपवित्रता को नष्ट किया है, इसलिए आज के बाद पूरी मानव जाति तुमसे घृणा करेगी और सारे पंछियों में केवल तुम होंगे जो सबसे नफरत भरी नजरों से देखे जाओगे। किसी अशुभ पक्षी की तरह पूरी मानव जाति हमेशा तुम्हारी निंदा करेगी, और चूंकि अमृत का पान किया है इसलिए तुम्हारी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होगी, कोई बीमारी भी नहीं होगी और तुम्हें वृद्धावस्था भी नहीं आएगी। भाद्रपद के महीने के 16 दिन तुम्हें पितरों का प्रतीक मानकर आदर दिया जाएगा। तुम्हारी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होगी। इतना कहकर ऋषि ने अपने कमंडल के काले पानी में उसे डुबो दिया। काले रंग का बनकर कौआ उड़ गया। तभी से कौए काले रंग के हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।